Hi viewers, welcome back to our YouTube channel Zaika India Ka. आज हम आपको बताएंगे कि शादियों में बनने वाली गुलत्ती घर पर कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलत्ती बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो सेला राइस। ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए हमने यहाँ पर सेला राइस लिए हैं। इनको धोकर 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मावा यानी कि खोया, 1 किलो चीनी, आधा कप बादाम, आधा कप काजू, 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी और 5 छोटी इलायची। चावल को बॉईल करने के लिए हमने एक बर्तन में 4 से 5 लीटर पानी को गर्म कर लिया है। अब इसमें हमारे भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पर चावल को 20 मिनट तक बॉईल करना है। इसे ढक कर अच्छे से बॉईल होने देंगे। चावल को बॉईल होते हुए 20 से 25 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके चावल को पानी में से निकाल लेंगे। हम एक पैन में 1 कप घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। दो से 3 सेकेंड के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मावा और इसे लगातार चलाते हुए मावे को घी में अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि हमें मावे को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि मावे का कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन में चीनी ऐड कर देंगे। इस तरह से चीनी को लेवल कर देंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने 1 किलो चीनी ली है, इसलिए हम इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड करेंगे। चाशनी को हमें तब तक ही पकाना है जब तक चीनी पानी में अच्छे से घुल ना जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ मावा और मावे को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आने लगा है। अब इसमें ऐड कर देंगे हमारे बॉईल किए हुए चावल। चावल को अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसे हाई फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ इसका पानी भी सूखने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढक कर 1/2 घंटे के लिए दम कर लेंगे। दम करते वक्त हम इस पर थोड़ा वजन रखेंगे ताकि ये अच्छे से दम हो जाए। हमारी गुलत्ती अच्छे से दम हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लेंगे। इसी के साथ ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। इसे सर्व करते वक्त हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स
और टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। तो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है शादियों में बनने वाली गुलत्ती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।